हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। छिपकली सरीसृप वर्ग की बहुत ही प्राचीन जानवर है और सदियों से विकसित हुए मानव सभ्यता के क्रम में हम मनुष्यों के साथ रहती आई है। छिपकली बहुत ही प्यारी जानवर है। वह हमारे घर में हमसे पहले रहने आती है और जब हम उस घर को छोड़कर चले जाते हैं तब भी छिपकली वहीं रहती है। प्राचीनतम शकुन शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि छिपकली के अंदर भविष्य बताने की असाधारण क्षमता होती है। आइए आज के इस वीडियो में छिपकली के मनुष्यों के ऊपर गिरने से होने वाले पॉजिटिव प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। छिपकली गिरने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसके लिए ज्योतिषाचार्य पंडित मुकुंद शास्त्री जी के नेतृत्व में वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लगाती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप छिपकली से दूर नहीं भागेंगे बल्कि उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकुंद शास्त्री जी कहते हैं कि जब छिपकली आपके सिर पर गिरे तो यह अत्यंत शुभदायक फल होता है और आपके जीवन में पद और प्रतिष्ठा की भारी वृद्धि होती है। आपके शत्रु भी आपको सम्मान देने लगते हैं और वर्षों से रुके हुए आपके व्यवसाय चल पड़ते हैं। सभ्यता के लोग छिपकली जैसी आकृति वाली सौभाग्य की देवी की उपासना करते थे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप गूगल पर सर्च करके उनकी फोटो देख सकते हैं। अगर नन्ही सी छिपकली आपके माथे पर गिरती है तो आपके संबंधों में मधुरता आती है और किसी खास रिश्ते से आपकी मुलाकात होती है। विद्वानगण ऐसा मानते हैं कि अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो भयंकर सुख की प्राप्ति होती है। तो अब छिपकली को देखकर डरना क्या, वैसे भी घरेलू छिपकली बेहद शर्मीली होती है और हमारी आहट पाकर ही भाग खड़ी होती है। शकुन शास्त्र में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अगर छिपकली आपके होठ पर गिरे तो उसका फल सबसे ज़्यादा शुभ होता है। नीचे वाले होठ पर अगर छिपकली गिरती है तो आपकी धन संपदा में भारी वृद्धि होती है और अगर आपके ऊपर वाले होठ पर छिपकली गिरती है तो आपको थोड़ी सी धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। अगर छिपकली दाहिने कान पर गिरती है तो आपका हेल्थ अच्छा होता है। अगर छिपकली आपके दाहिने कान पर गिरती है तो आपका हेल्थ अच्छा होता है और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं इससे आपकी उम्र भी बढ़ती है। अगर छिपकली आपके बाएं कान पर गिरती है तो आपको धन की प्राप्ति होती है, लेकिन होठ पर गिरने की अपेक्षा बाएं कान पर छिपकली गिरने पर कुछ कम ही धन मिलता है, लेकिन आप प्रॉफिट में जरूर रहेंगे। वहीं अगर छिपकली आपके पेट पर गिरे तो आपको अपार धन वैभव मिलता है। तो वहीं अगर छिपकली आपकी जांघ पर गिरे तो इससे आपके लिए अचानक धन लाभ की स्थिति बन जाती है। तो आप सभी जब कभी छिपकली देखें तो खुले मन से उसका स्वागत करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।